हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू दोस्तों। देखिए आज मैं आप दोस्तों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ, मैं दिखाता हूँ, उनके रेट भी आपको बताऊँगा और आपको भी जब ये सामान फ्रूट और सब्जियाँ वेजिटेबल खरीदे तो आज के भाव भी आपको पता लग जाएंगे इस व्लॉग में। और देखिए किस क्वालिटी की चीज़ें मैं लेकर आता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, मैं थैला ले जाना भूल गया तो सारी चीज़ें उंगलियों में टांग कर लाया हूँ। देखिए क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ब्राउन ब्रेड, ये दोस्तों है ब्राउन ब्रेड और ये दूसरे ब्रेड से 5 रुपये महंगा है, 35 रुपीज़ का। और ये देखिए ग्रीन इस पर टिक मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज़ वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन है और 35 रुपये कीमत का है। और उसके बाद मैं आगे चला तो मुझे नज़र आए ये प्याज, ये प्याज आज के दिन इनकी कीमत 20 रुपये किलो है, ये मीडियम साइज़ मीडियम से थोड़ा छोटे प्याज हैं, ये 20 रुपये किलो मैंने ले लिए। और उसके बाद फिर मुझे उससे अच्छी क्वालिटी के प्याज नज़र आए तो मैंने फिर जो है वो 25 रुपये किलो के भाव में ये प्याज भी मैंने खरीद ली। तो 25 रुपये किलो अच्छे से अच्छे प्याज का भाव आज के दिन मंडी के अंदर है, इससे ज़्यादा पैसा आप बिल्कुल ना दें। और उसके बाद हरी मिर्च ये ली, हरी मिर्च जो है ये मेरे को लगाई उसने 50 रुपये किलो शायद, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया। और ककड़ियाँ हैं बिल्कुल आज ही की तोड़ी हुई ककड़ियाँ हैं, लेकिन ये आपको कोई 20 या 30 रुपये किलो नहीं मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत फाइन क्वालिटी की ककड़ियाँ होती हैं जो मैं लाता हूँ, ये 60 रुपीज़ पर केजी की ककड़ियाँ हैं। और साथ ही उसमें गोल घिया भी लेकर आया हूँ जो कि 40 रुपये किलो मुझे मिली है। गोल घिया का टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग होता है लंबी घिया से, ये थोड़ा सा इसमें मिठास होता है दोस्तों, ये गोल घिया है, इसका टेस्ट आपको मतीरी जैसा लगेगा। देखो हम लोग सात्विक लोग हैं और हमारे यही शौक हैं और यही हमारे जो है आदतें लगा लीजिए कि अच्छा खाते हैं, सात्विक खाते हैं, सादा खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, अच्छी क्वालिटी। तो ये 40 रुपीज़ किलो में आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर बढ़िया क्वालिटी में, और इससे भी सस्ती आपको मिल सकती है, लेकिन मैं 40 रुपीज़ पर केजी लेकर आया। उसके बाद दोस्तों मुझे नज़र आई भिंडी, मुझे कुछ ठीक सी लगी, ज़्यादा तो मुझे पसंद नहीं थी लेकिन अच्छी है, बहुत ही हरी हरी ग्रीन कलर में, ये 60 रुपीज़ केजी मुझे मिल गई। तो ये आधा किलो उसने 30 रुपीज़ की दी है, 30 रुपये की आधा किलो, लेकिन उसके बाद मुझे और भी फाइनर क्वालिटी की भिंडी मिल गई तो वो मैंने खरीद ली। उसकी कीमत है ये देखिए, ये 80 रुपये किलो की भिंडी उसने लगाई है। और इस तरह से दो जगह ये भिंडी मैंने ले ली और वो थोड़ी चलाकी कर गया, देखिए उसने पहले इसके अंदर कुछ डाल रखी थी, पहले भिंडियाँ मोटी भिंडियाँ, वो चलाकी कर गया मेरे साथ, आज कोई बात नहीं, आज मैं उसका आगे ध्यान रखूँगा। उसने पहले ही ये 2-3 मोटी भिंडियाँ डाल रखी थी, इसका मतलब हर एक को थोड़ी थोड़ी मोटी भिंडियाँ वो इस तरह से चेप रहा है। ये छोटी भिंडियाँ देख के मैंने खरीदी थी, कोई बात नहीं उसका भी इलाज करेंगे। उसके बाद मैंने नींबू लिए, नींबू जो है 40 रुपीज़ पाव भी आपको मिलेंगे और 30 रुपीज़ पाव के नींबू मैं ये ले आया हूँ, 30 रुपये के नींबू हैं, बहुत सारे आ गए एक पाव में, बहुत सारे नींबू चढ़ गए हैं देखिए, तो आप लूटे नहीं मार्केट में इसलिए मैं आपको सबके रेट बता रहा हूँ। उसके बाद अरबी है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की अरबी है, 20 रुपये की पाव, एक पाव अरबी 20 रुपये, ये 20 रुपये की अरबी है सारी। और फिर उसके बाद मैंगो शेक के लिए आम जो है, सफ़ेदा आम जिसको बोलते हैं, मैंगो शेक के लिए द बेस्ट, मैंगो शेक के लिए सबसे बढ़िया सफ़ेदा आम होता है, 100 रुपीज़ पर केजी का ये दिया है, तो ये मैंगो शेक के लिए मैं ले आया हूँ, 70 रुपये के 3 आम हैं दोस्तों, 70 रुपीज़। तो इस तरह से आपको मार्केट के जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के दाम मैंने आपको बताए हैं दोस्तों आज के भाव। तो आप जब भी मार्केट में जाएं ख़रीदारी करें तो इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ी सी चालाकी, एक भिंडी वाले ने मुझसे की 80 रुपये किलो भिंडी भी दे दी और उसने बड़ी भिंडियाँ भी डाल दी, कोई बात नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम अंगूर वगैरह लेते हैं तो पहले ही टूटे हुए अंगूर साइड में वो लगा देते हैं अपने जो तोलने वाला होता है उसमें वेइंग उसमें मशीन में, और बाद में एक गुच्छा डाल के पूरा करके आपको दे देते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ख़रीदारी करें, समझदारी दिखाएँ, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।